हमारे साथ में प्रद्युमन सिंह तोमर, हमारे सहयोगी नवीन सिंह से उन्होंने क्या कहा इस नतीजे को लेकर, आज के अब तक क्या है रुझान को लेकर, सुनिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ हैं। नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने लगे हैं, फिलहाल शुरुआती दौर में रुझान आ रहे हैं और रुझान में कई जगह बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन मुरैना में, सर मुरैना में कांग्रेस पहली पोजीशन पे है। देखिए एकाध जगह कोई परिणाम हो सकते हैं, पर आप देखिए 80-85% जगह पे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अग्रसर है। कटनी में भी सर बीजेपी दूसरी, भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है बहुमत कटनी में भी। देखिए पिछले चुनावों में आप लोग डिस्टिंक्शन से पास हुए थे, 16 के 16 नगर निगम बीजेपी के पास थे, बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस बार गड़बड़ी हुई है। आप ये देखते हो पिछली बार हम नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती थी, आज देखिए वहाँ बदलाव आया है, उस बदलाव को भी तो आप महसूस करिए। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं सर कि कटनी में आप ही की बागी जो प्रत्याशी बीजेपी की वो पहली पोजीशन पर? देखो मैं मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक जगह को टारगेट मत करिए। इन ऑल देखिए कि मध्य प्रदेश में जनता जनार्दन का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्या मायने हैं सर 2023 अगले साल विधानसभा चुनाव है, आप ये परिणाम सामने है और यही परिणाम 2023 में परिवर्तित होने। चलिए मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं और कह रहे हैं कि जो आज तस्वीर मध्य प्रदेश की बन रही है, जिस तरीके से नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और ग्रामीण इलाकों में मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो यही तस्वीर मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में भी बनेगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC24 भोपाल।